नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इटोडोलैक टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, इटोडोलैक टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और इटोडोलैक टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि इटोडोलैक टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में इटोडोलैक टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। इटोडोलैक टैबलेट का उपयोग दर्द और सूजन को कम करने के लिए किया जाता है। यदि आपके शरीर पर कोई चोट लगने की वजह से सूजन आ गई है तो इटोडोलैक टैबलेट दर्द के साथ साथ सूजन को भी कम करती है। इटोडोलैक टैबलेट का उपयोग सिरदर्द होने पर, मांसपेशियों में दर्द होने पर, जोड़ों में दर्द होने पर, दांतों में दर्द होने पर, कमर के दर्द, कान के दर्द और गले के दर्द आदि कंडीशंस में इटोडोलैक टैबलेट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा रूमेटोइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस में दर्द और जोड़ों की सूजन को कम करने के लिए भी इटोडोलैक टैबलेट का उपयोग किया जाता है। इटोडोलैक टैबलेट 300 mg, 400 mg व 600 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि इटोडोलैक टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इटोडोलैक टैबलेट के सामान्य साइड इफेक्ट्स में बदहजमी, पेट में दर्द, पेट में जलन, कब्ज, उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, दस्त और लिवर एंजाइम बढ़ सकते हैं। ज्यादा लंबे समय तक इटोडोलैक टैबलेट को लेने से किडनी व लिवर डैमेज हो सकते हैं और शरीर में खून की कमी हो सकती है। इसके अलावा लंबे समय तक या ज्यादा खुराक में इटोडोलैक टैबलेट को लेने से पेट में ब्लीडिंग, पेट में अल्सर या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल परफोरेशन होने पर पेट या आंतों के अंदर छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं और लंबे समय तक इटोडोलैक टैबलेट का सेवन करने से दिल का दौरा और लकवा लगने का रिस्क भी अधिक हो जाता है। अगर आप इटोडोलैक टैबलेट का सेवन कभी कभार करते हैं तो ऐसे में ज्यादातर व्यक्तियों में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। अगर आप इटोडोलैक टैबलेट को दिन में कई बार या ज्यादा लंबे समय तक लेते हैं तो ऐसी स्थिति में इटोडोलैक टैबलेट की वजह से साइड इफेक्ट्स होने का रिस्क भी अधिक हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इटोडोलैक टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। इटोडोलैक टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना रिकमेंडेड होता है। आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर शुरुआत में इटोडोलैक 300 mg टैबलेट को दिन में 2 बार लेने की सलाह देते हैं, लेकिन बाद में जरूरत पड़ने पर डॉक्टर इटोडोलैक टैबलेट की डोज को बढ़ा भी सकते हैं। कुछ व्यक्तियों को डॉक्टर केवल दर्द होने पर ही इटोडोलैक टैबलेट को लेने की सलाह देते हैं। इटोडोलैक टैबलेट की खुराक, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए इटोडोलैक टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना इटोडोलैक टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि इटोडोलैक टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में इटोडोलैक टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। पेट में अल्सर होने पर, पेट या आंतों में ब्लीडिंग की समस्या होने पर, किडनी, लिवर या दिल से संबंधित कोई गंभीर बीमारी होने पर इटोडोलैक टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है, इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना इटोडोलैक टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं इटोडोलैक टैबलेट को ले सकती है या नहीं। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए इटोडोलैक टैबलेट का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को इटोडोलैक टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका इटोडोलैक टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।